करेंगे सबसे पहले? ओके, टेक इट एज अ सिंगल टर्म. व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, दैट इज 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3. नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो इन द न्यूमिरेटर 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3. व्हाट यू विल हैव इन द डिनोमिनेटर इन द नेक्स्ट स्टेप? This plus 3 minus 3 will get cancelled. So we are left with 1 plus root 2 plus root 3 upon me 2 root 2. So again this denominator is an irrational number. So once more we are to rationalize. अब जब आपकी single term होती है तो अब यहाँ पे you are having 2 root 2. तो आप चाहे 2 root 2 से divide and multiply कर लो या सिर्फ root 2 से divide and multiply कर लो, you will get the same answer. So I'm multiplying it with root 2 only. जब 2 root 2 single term है, चाहे मैं इसको minus 2 root 2 से divide and multiply करूं, तो ये cancel out होके I will be left with root 2. तो मैंने calculations simple बनाने के लिए root 2 से divide and multiply किया. So I will be having root 2 plus 2 plus root 6 upon 4. तो आप चाहो तो इनको अलग अलग लिख सकते हो, रूट टू बाय फोर प्लस वन बाय टू प्लस रूट सिक्स बाय फोर. अदरवाइज यू कैन लीव द आंसर इन दिस वे ऑल्सो. सो दिस इज योर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. यही सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे, ठीक है? ऑप्शंस अलग अलग दे दी जाएंगी आपको बीच में. जैसे यहाँ पे मान लो एक जगह पे माइनस का साइन डाल दिया, नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे माइनस का साइन डाल दिया, उससे नेक्स्ट ऑप्शन में दोनों जगह पे माइनस का साइन डाल दिया, एक आपके बीच में करेक्ट ऑप्शन होंगे. तो अकॉर्डिंगली आपके एमसीक्यूज फॉर्म होंगे. नाउ नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ ए प्लस बी रूट सिक्स इज इक्वल टू. ए प्लस बी रूट सिक्स हमें इक्वल टू सम नंबर गिवन है, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड B. This is equal to root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2. Rationalizing the denominator, क्या आएगा, किससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करोगे? रूट 3 प्लस रूट 2 है ना, तो रूट थ्री प्लस टू से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे. तो मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया क्योंकि मेरे आंसर्स एमसीक्यू में हैं और मुझे टाइम सेव करना है. यू विल बी हैविंग 40 क्वेश्चंस दैट यू आर टू अटेम्प्ट इन 90 मिनट्स. कहने के लिए लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम है, बट जब आप उनको सॉल्व करोगे तो यू विल सी कि आपको टाइम कम लगेगा. टाइम कम लगेगा इन द सेंस कि आपको लगेगा क्वेश्चंस अभी ज्यादा रह रहे हैं और टाइम हमारे पास कम है. चलिए क्या आएगा नेक्स्ट? थ्री प्लस टू फाइव प्लस टू रूट सिक्स अपॉन में थ्री माइनस टू दैट इज वन. तो आंसर क्या आ गया आपका? फाइव प्लस टू रूट सिक्स, बट वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. तो आपकी रूट वाली टर्म रूट से कंपेयर होगी, विदाउट रूट वाली विदाउट रूट से कंपेयर होगी. सो क्या आएगी ए की वैल्यू? ए विल बी फाइव एंड बी रूट सिक्स इज इक्वल टू टू रूट सिक्स. रूट सिक्स कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बी इज इक्वल टू टू. तो ए की वैल्यू 5, बी इज 2. चलिए अब इस तरह का एक और खुद करेंगे आप. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. इफ वी हैव ए प्लस 7 बाय 11 रूट 5 into B A plus 7 by 11 root 5 into B is equal to
सेवन प्लस रूट फाइव अपॉन सेवन माइनस रूट फाइव। चलो पहले इतने से करो फिर आगे देखते हैं क्या आएगा। फर्स्ट स्टेप सीधा बताओ मुझे क्या लूं मैं, न्यूमरेटर में होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में यस 49 माइनस 5 44 आ गया। न्यूमरेटर में क्या आया 49 प्लस 5 54 प्लस 14 रूट 5, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 54 आ गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट, और 2ab की जगह आ गया 14 रूट 5, 2ab है, मैंने आई थिंक 4ab बोल दिया था। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे कंपेयर किससे करना है, हाँ जी कॉमन ले लो, 754 का कैसे आएगा, 2 ही ले सकते हो और नहीं कुछ आएगा, तो वो ना भी लो तो बाद में हम देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। A की वैल्यू कितनी आएगी, कितना आया ये 27/22, और कटिंग हो रही है इसकी, बी की वैल्यू बताओ, बी 7/11 रूट 5 बी इज इक्वल टू 14 रूट 5 अपॉन 44, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, रूट 5 रूट 5 कट गया, 7 टू जार 14 11 फोर जार, तो दिस बी इज 1/2, अपने हिसाब से कटिंग कर दो। ये मैं ले लूं, टाइम नहीं पास हो रहा ना, टाइम तभी पूछते हैं जब हमारा टाइम पास नहीं होता। चलिए बी आ गया हाफ, ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन मैंने ऐसे करवा दी है बट ये एक्चुअल में स्टेटमेंट जो थी पहले अब हम वो करेंगे, ये नोट डाउन हो गया, इरेज कर दूं, इसकी जो एक्चुअल में स्टेटमेंट थी इसके आगे ही हमें गिवन है माइनस सेवन रूट फाइव, सेवन माइनस रूट फाइव अपॉन सेवन प्लस रूट फाइव, सेवन माइनस रूट फाइव अपॉन सेवन प्लस रूट फाइव, हाँ जी। यू आर टू फाइंड द वैल्यू किसकी, कहाँ, क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, हाँ जी सिंगल टर्म बनाओगे आप, पहले एलसीएम ले लोगे एंड मेक इट अ सिंगल टर्म एंड देन कंपेयर करोगे। दो तरीके हैं, या तो इनको अलग अलग रैशनलाइज कर लो या फिर एलसीएम ले लो, दैट इज अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हो। मैं एलसीएम लेके करवा रही हूँ, सेवन माइनस रूट फाइव सेवन प्लस रूट फाइव, दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है वन के अलावा, तो दोनों का प्रोडक्ट, जब यहाँ पे को प्राइम्स होते हैं एलसीएम लेते हुए तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऊपर न्यूमरेटर हमारा बनता है, तो यहाँ बनेगा सेवन प्लस रूट फाइव इंटू सेवन प्लस रूट फाइव, दैट इज सेवन प्लस रूट फाइव का स्क्वायर, दिस माइनस साइन एज इट इज एंड हियर वी विल बी हैविंग सेवन माइनस रूट फाइव स्क्वायर, गॉट इट, क्लियर है ये स्टेप। अब क्या फॉर्मूला लगेगा न्यूमरेटर में, 49 प्लस 5 54 प्लस 14 रूट 5, यहाँ पे माइनस का साइन है, अगेन 49 प्लस 5 माइनस 54 एंड प्लस 14 रूट 5 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी 44, माइनस 54 प्लस 54 आपका कैंसिल आउट हो गया, व्हाट वी आर लेफ्ट विद 28 रूट 5 अपॉन 44, 4 7s are 4 11s are, यानी कि 7 by 11 root 5 into b. So what will be the value of a? 0. And what will be the value of b? 1. रूट वाला रूट से कंपेयर होते हैं, ये ध्यान रखना, तो b इज इक्वल टू 1, क्लियर। इन केस यहाँ पे रूट वाली टर्म ना होती तो फिर ये आपकी a की वैल्यू आनी, अब क्योंकि यहाँ पे रूट 5 था तो रूट वाले से कंपेयर करके ये b की वैल्यू बनी है, a के साथ साथ में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो a इज इक्वल टू 0, डन।
तो इस टाइप को अब कर लोगे आप खुद के? एक दो और करवाऊं? यू वॉन्ट मोर टू डू? और करवाऊं? ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ 2 माइनस बी रूट 6 इज इक्वल टू, ये हो गया था, टू माइनस बी रूट 6 इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3। हाँ जी, क्या आएगा? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। नेक्स्ट स्टेप, अर्गुन बताओ आप। लास्ट बॉय, कंसेंट्रेट ऑन द बोर्ड, कवर योर नोज। हाँ जी, रूट टू को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? हाँ, पहले रूट टू इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर रूट थ्री इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। हाँ जी, 6 आ गया प्लस 2 रूट 6 प्लस डिनोमिनेटर में 3 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 होल स्क्वायर। जब इनका आप स्क्वायर करते हो तो ध्यान रखना है क्या आएगा, 3 रूट 2 का स्क्वायर, 3 3s आर 9 इंटू 2 और यहाँ पे 2 2s आर 4 इंटू 3, तो 18 माइनस 12, न्यूमरेटर में 12 प्लस 5 रूट 6, so this is 2 minus b root 6 is equal to 12 upon 6 हो गया ये, और इधर 5 root 6 upon 6, so 2 minus b root 6 is equal to 2 plus 5 by 6 root 6। तो अब यहाँ देखो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो cancel out हो गई, या equate कर दो, that's one and the same thing। अब b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी रूट 6 इज इक्वल टू 5 बाई 6 रूट 6, ये कैंसिल आउट हो गया, b कितना रह गया, माइनस 5 बाई 6। साइन साथ में लेके चलना है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है? बिल्कुल माइनर सा जो है आपके उसमें ऑप्शंस में चेंज होगा, मे बी b इक्वल टू माइनस 5 बाई 6 के साथ सेकेंड ऑप्शन आपको b इक्वल टू प्लस 5 बाई 6 दी हो, तो साइन जो है वो आपने ध्यान से कर। Now the next, if x is equal to root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2, x is equal to root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2 एंड y इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल, x इज इक्वल टू y इज इसका रेसिप्रोकल, यानी कि नेगेटिव वाली टर्म ऊपर है, पॉजिटिव वाली नीचे है, तो यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्या करेंगे? ओके, क्या आएगा? आप चाहो तो यहां पुट करके कर दो, दैट्स योर चॉइस। बोलो जी, एक्स है हमारे पास रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू, यू आर सेइंग कि हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल नंबर बन जाए, तो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी रहेगी। एडिशन है यहाँ, सब्ट्रैक्शन नहीं है। So, क्या आएगी x की वैल्यू, 5 प्लस 2 रूट 6, डिनोमिनेटर 1
एक्स आ गया। हाँ जी कहाँ पे रैशनलाइज से डिनोमिनेटर मतलब माइनस का साइन था तो प्लस कर रहे हो, प्लस का था तो माइनस कर रहे हो, वो भी जो आपका इरेशनल नंबर होता है उससे पहले वाला साइन, दोनों में से किसी एक का। तो रूट टू से आगे वाला साइन मैंने चेंज कर दिया, माइनस था, प्लस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो प्लस से ही डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे हमेशा ए माइनस बी ए प्लस बी या ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। अब डिनोमिनेटर में रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर इज वन, तो एक्स आ गया मेरे पास फाइव प्लस टू रूट सिक्स। अब वाई सीधा लिख रही हूं मैं इसको, थ्री प्लस टू फाइव माइनस टू रूट सिक्स। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि फाइव प्लस टू रूट सिक्स का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टू रूट सिक्स का स्क्वायर। क्या आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर है और ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी रूट सिक्स, 25 प्लस 24 माइनस 20 रूट 6। कैलकुलेशंस चेक कर लो एक बार, 49 प्लस 49 दैट इज 98। क्लियर, चलिए राइट डाउन। इफ ए इज इक्वल टू थ्री प्लस रूट फाइव बाय टू, ये दिस यू विल डू, ए इज इक्वल टू थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर। ए गिवन है, वन बाई ए निकाल लेंगे क्या आएगा बताओ, कितना आएगा, ये आ रहे वन बाय ए थ्री माइनस रूट फाइव बाय टू। हाँ जी चेक करो जल्दी से। ठीक है, आप पुट करो ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर में, ए इज थ्री प्लस रूट फाइव by 2 whole square हो जाएगा and 1 by a square is 3 minus root 5 by 2 whole square. So this is 9 plus 5 14 plus 6 root 5 by 2 14 minus 6 root 5 by 2. So 2 से divide कर दोगे तो 7 plus 3 root 5 7 minus 3 root 5 ये cancel out होके your answer will be 14। पूछ लो कुछ डाउट है तो। हाँ जी बच्चे, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर की। ए मुझे गिवन है तो आई कैन फाइंड आउट ए स्क्वायर, तो वन बाय ए स्क्वायर निकालने के लिए पहले मैंने वन अपॉन ए निकाल दिया, इसका रेसिप्रोकल लिया, टू अपॉन थ्री प्लस रूट फाइव आ गया, रैशनलाइज किया, टू इंटू थ्री माइनस रूट फाइव, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, थ्री का स्क्वायर इज नाइन, रूट फाइव का स्क्वायर इज फाइव, तो नाइन माइनस फाइव आ गया, दिस इज नाइन माइनस फाइव फोर होता है आपका, मैंने यहाँ एक स्टेप स्किप कर दिया था, थ्री माइनस रूट फाइव बाय फोर ये कैंसिल आउट होके थ्री माइनस रूट फाइव बाय टू। ठीक है, फिर वहां पे स्क्वायर करके आपने वैल्यूज निकाला।
कहीं कोई डाउट है किसी स्टेप में तो यू कैन आस्क। किसको? हाँ, टू भी है यहाँ पे बच्चे, फोर आएगा यहाँ पे, मेक द करेक्शन। टू का भी स्क्वायर है यहाँ पे, तो अपॉन में टू है तो सेवन विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे टू का भी स्क्वायर होगा, मैंने बाय मिस्टेक नहीं किया था, सो दिस विल बी अपॉन फोर। डन? हाँ जी, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर अपॉन थ्री रूट थ्री माइनस टू रूट टू। फोर अपॉन थ्री रूट थ्री माइनस टू रूट टू। कहाँ? यहाँ पे एलसीएम ले लिया आपने, लाओ ये हो गया 14 माइनस सिक्स रूट फाइव, ये कैंसिल आउट हो गया। 14 प्लस 14 इज 28 बाई 4, दैट इज 7। आप कैलकुलेशंस अपने हिसाब से कर लिया करो, ठीक है? हमें गिवन है 4 अपॉन 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 अपॉन 3 रूट 3 प्लस टू रूट टू। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एंड वी आर गिवन रूट टू इज 1.414 एंड रूट थ्री इज 1.732। व्हेनेवर यू आर गिवन द वैल्यूज ऑफ रूट लाइक दिस, सबसे पहला काम डायरेक्ट वैल्यूज कभी भी पुट नहीं करनी, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, या एलसीएम ले लो या रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। कैसे करना है? ओके, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो दोनों टर्म्स को अलग अलग रैशनलाइज करोगे। बीच में ये वाला जो आपका प्लस का साइन है, ये एज इट इज चलेगा। एलसीएम लेके भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। कैसे करवाऊं? एलसीएम अगर हम लेंगे तो थ्री रूट थ्री माइनस टू रूट टू इंटू थ्री रूट थ्री प्लस टू रूट टू। अगर आप इंडिविजुअली इनको रैशनलाइज करोगे तो इसमें थ्री रूट थ्री माइनस टू रूट टू है, तो थ्री रूट थ्री प्लस टू रूट टू से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इस टर्म को करो, और थ्री रूट थ्री माइनस टू रूट टू से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इस टर्म को करो। अगला स्टेप आपका सेम आ जाएगा। चलो, क्या आएगा यहाँ पे? फोर इंटू थ्री रूट थ्री प्लस टू रूट टू, यहाँ पे ये वाला प्लस का साइन एज इट इज, थ्री इंटू दिस थ्री रूट थ्री माइनस टू रूट टू। ब्रैकेट्स ओपन करो, क्या आएगा? डिनोमिनेटर में हमेशा आपका फॉर्मूला एलसीएम लेके भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा यहाँ पे? दिस इज 12 रूट थ्री प्लस 8 रूट टू 9 रूट थ्री माइनस 6 रूट टू। डिनोमिनेटर में 3 थ्री जा 9, 3 जा 27 माइनस 8 दैट इज 19। अब यहाँ पे 12 प्लस 9 21 रूट थ्री प्लस 8 माइनस 6 टू रूट टू अपॉन 19। अब यहां पे रूट 3 और रूट 2 की वैल्यू पुट करो एंड देन सिंप्लीफाई। रूट 3 1.732, रूट 2 1.414 अपॉन में 19। पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। So this is 2.06 approximately.
क्लियर? तो हमेशा इस चीज का आपने ध्यान रखना है, जब भी ऐसे रूट वाली वैल्यूज गिवन है पहले उसको सिंप्लीफाई कर दो, ताकि हर जगह पे ये रूट वाली टर्म आपकी ना रहे। डेसिमल्स में कैलकुलेशंस जो है वो आपकी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं, तो जहां आपकी न्यूमिरेटर में रह जाएंगे रूट्स, डिनोमिनेटर रैशनल बन गया, वहां पे आप वैल्यूज पुट कर दो। नाउ सिंप्लीफाई करना है, 7√3 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 3। ये चैप्टर बचे आपका 8 मार्क्स का आना है, तो इसको अच्छे से करना है आपको। 7√3 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 3 सिंप्लीफाई करना है हमने इसको, माइनस 2√5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5 प्लस माइनस 3√2 अपॉन रूट 15 प्लस 3√2। हाँ जी, क्या करेंगे? रूट 10 प्लस रूट 3, रूट 6 प्लस रूट 5, रूट 15 प्लस 3√2। इसमें अगर एलसीएम लोगे तो क्या होगा? द कैलकुलेशंस विल बी डिफिकल्ट। तो क्या करोगे? रैशनलाइज इंडिविजुअल टर्म में डिनोमिनेटर रैशनलाइज करके बताइए क्या आएगा। रूट 10 माइनस रूट 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, वैसे ये एलसीएम लेके भी हम कर सकते हैं, बट इसमें क्योंकि तीनों टर्म्स जो डिनोमिनेटर में है वो डिफरेंट हैं, तो जब आप एलसीएम लोगे कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो बेटर टू डू इट बाय रैशनलाइजिंग द टर्म्स इंडिविजुअली। मैं इकट्ठे कर रही हूँ यहाँ पे, आप चाहो तो इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो, इसको आर मान लो, एंड देन अलग अलग इसको रैशनलाइज। बी क्विक, मैं डायरेक्ट अब लिख रही हूँ, पी की वैल्यू आएगी आपकी रूट 30 माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रूट 30 माइनस 3, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 2√30 माइनस 10, और इसकी वैल्यू आएगी 6 माइनस रूट 30। सिंप्लीफाई कर लोगे यू विल गेट योर आंसर एज 1। इसको सिंप्लीफाई करके योर आंसर विल बी 1। सो द कैलकुलेशंस यू आर टू कंप्लीट योरसेल्फ, एज द बेल हैज गॉन सो आई एम एंडिंग द मीटिंग। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, सो आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट।